इस्लाम का मानना है कि जब भगवान ने आपके नसीब में बच्चा नहीं दिया, आप कौन होते हैं अपने तकदीर को बदलने वाले? अगर एडॉप्टेड चाइल्ड को वही दर्जा मिल जाएगा जो कि एक बायोलॉजिकल फादर के बच्चों को मिला जाएगा, तो उनमें भी आपस में कल को झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। एडॉप्शन होना चाहिए, गोद लेने की प्रथा होनी चाहिए। मैं नहीं मानती कि जो चीज़ अल्लाह ने कह दी है उसके बाद हम ये सोचें कि वो उससे चेंज हो जाए तो कुछ बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, नहीं, मुमकिन नहीं। झगड़ा और इख्तिलाफ अपने जन्म जाई बच्चों के साथ भी हमारा हो जाता है, मगर अगर एक बार हमारे अडॉप्टेड बच्चे के साथ हो जाए तो फिर हम समझते हैं कि अडॉप्शन में ही कोई खोट है। आप किसी के भी बच्चे को गोद ले लीजिए, आप उसे ये बताइए या नहीं बताइए कि आपने उसे अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा कहने का हक नहीं है। शरीयत का मामला जो है वो शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही चले। बच्चों को बताएं कि उनके असली माँ बाप कौन है या कौन थे, और उनको सही बताएं कि हम आपके माँ बाप नहीं हैं। लौट पड़ जाता है कि ये तो यतीम खाने से आया हुआ है, इसको क्या पता होगा। किसी को इज्जत से किसी घर में पनाह नहीं मिलती। इस तरीके की बातें करके वो मुस्लिम्स को और इस्लाम को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम तारिक फतेह है, एक बार फिर आपके सामने फतेह के फतवे के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस शो पे हमने हर बात ये कही कि धर्म या मज़हब हमारे चेहरों पे खुशी और हमारी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए होना चाहिए, ना ये कि उसी धर्म या उसी रस्म उसी परंपरा से हमारे दिलों में दुख हो या हम पे मुसीबत हो। हम ये समझते हैं कि मज़हब या धर्म का रोल इंसान को सही राह पे और खुशी से और सहूलत पैदा करने के लिए। कुछ हमारी रिवायतें ऐसी होती हैं जो धर्म के नाम पे हमें बहुत दुख देती हैं। मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं आसिफ इकबाल साहब, जो एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, लैटिन अमेरिका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी चेयर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, दुनिया से आपका ताल्लुक़ है। उनके साथ हैं शबनम खान, जो मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कह सकता हूँ आपको, मुस्लिम फेमिनिस्ट भी हैं आप। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। अंबर जैदी हैं, फिल्म मेकर हैं, प्रोडक्शन कंपनी है इनकी अपनी, शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग मुस्लिम्स इन दिस कंट्री। थैंक यू फॉर कमिंग। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आमना शेरवानी हैं, जो इस प्रोग्राम पर कई मरतबा आई हैं और काफ़ी लोगों का दिल दुखा के और कुछ सुखी करके नाराज करके भेजा इन्होंने यहाँ से। मुझे भी डांट भी देती हैं, लेकिन खुली बात करती हैं और सच करती हैं, इसीलिए हमें आपका यहाँ होना बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। फतेह के फतवे में आज हमारा मुद्दा ये है कि क्या इस्लामी शरीयत के तहत जो बच्चों के अडॉप्शन पे ममानत है, इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों और यतीम बच्चों पे ज्यादती नहीं हो रही? मुस्लिम समाज में किसी बच्चे को गोद तो ले सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को बाप का नाम नहीं मिलता। यानी यतीम बच्चे को एक घर मिल जाता है, परिवार मिल जाता है, अभिभावक मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। 19 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए किए गए संशोधनों के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा था कि किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बच्चा गोद लेने का अधिकार है। बावजूद इसके आम मुसलमान ये मानता है कि गोद लेना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। आज इसीलिए तारक फतेह ये पूछेंगे कि किसी अनाथ को अपना बेटा या बेटी मानने में इस्लाम रुकावट कैसे डाल सकता है। किसी को फतेह का फतवा है, गोद लेने के इच्छुक मुसलमान पति पत्नी को मजहब का डर नहीं दिखाया जाना चाहिए। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे मसले पे जिसे देख के मुझे दुनिया भर में बड़ा अफसोस होता है। मैं आपको पहले बताऊँ कि जब बांग्लादेश में सन 71 की जंग हुई और 1 से 2 लाख
मुसलमान औरतों को पाकिस्तानी फौज ने रेप करके प्रेग्नेंट किया, तो उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमान कोई नहीं बैठा था। सेनेटर जॉन मकेन ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया उसी बांग्लादेश से। दुनिया भर से लोग आए और उन बच्चों को अडॉप्ट करके ले गए, लेकिन उन बच्चों को किसी मुसलमान के घर में जगह नहीं मिली, क्योंकि हमारे जो आलम दीन हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने उनका आम रिवायत है, शरिया ये कहती है और शायद कुरान में भी कुछ जिक्र इसी तरह का है, मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि मुसलमान किसी गैर के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, अपना नाम नहीं दे सकता। तो इसका मैं दारफूर में देख रहा हूँ, इसी तरह सीरिया के अंदर बेतहाशा, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया में जंग के बाद बेतहाशा बच्चे बग़ैर माँ बाप के पड़े रह जाते हैं, और आम तौर पे जंगों में आजकल मुसलमान के ही बच्चे यतीम होते हैं, और उन यतीमों को हमारे यहाँ या तो यतीम खाने का कंसेप्ट है जिसके अंदर एक ब्लॉट पड़ जाता है कि ये तो यतीम खाने से आया हुआ है, इसको क्या पता होगा, किसी को इज्जत से किसी घर में पनाह नहीं मिलती। बोस्निया ऐसी जगह थी कि जहाँ पे जब बच्चे यतीम हुए तो दुनिया भर के मुसलमानों ने जाके बच्चे अडॉप्ट किए, और मुझे शक इस बात का है कि बोस्निया के बच्चे क्योंकि गोरे, उनकी आंखें नीली थीं, तो हम मुसलमानों ने कहा ये बच्चे सही हैं, और दारफूर के बच्चे क्योंकि काले हैं, अफ्रीकन हैं। तो आसिफ इकबाल साहब, आपसे मैं पहले कहूँगा कि इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। एक तो अगर आपको पता हो कि इसका इस्लामी कानून क्या है अडॉप्शन पे, और क्यों हम पे ममानत है कि हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। इस्लाम में देखिए ये सवाल है लीनिएज का। इस्लाम में ये कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को अडॉप्ट करें, बच्चों को बताएं कि उनके असली माँ बाप कौन है या कौन थे, और उनको सही बताएं कि हम आपके माँ बाप नहीं हैं, दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, अनलाइक द फॉस्टर पेरेंटिंग इन वेस्टर्न जो वेस्ट इसमें है। तो सबसे पहला तो वो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि वो इनहेरिटेंस बिल्कुल नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस लीगल क्यों है? लीगल इनहेरिटेंस लॉ बना दिया गया है, ऐसे कुरान में लिखा है करके बनाया हुआ है। नहीं, वन थर्ड तक कर सकते हैं, वन थर्ड ऑफ इनहेरिट। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ एक सेकंड। तो वो तीन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि लीगल इनहेरिटेंस नहीं, हाँ आप कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी पूरी जायदाद उनको दे सकते हैं, बट एज ए गिफ्ट ओनली, बट नॉट एज अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आपके वो लीगल हेयर नहीं हो सकते, यानी आपके अपने बच्चों के बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और जब मेजर होते हैं, या लड़की होती है या लड़का होता है, जब मेजर हो जाते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के साथ, लड़की या लड़कों के साथ अगर कुछ डिस्टेंस रखना है, तो आपको ये भी कहा गया है कि आप उनको घर से बाहर, मतलब नॉट एनी मोर इन द हाउस, आप रख नहीं सकते। हाँ, बिकॉज अगर जैसे कि आपने लड़के को अगर आपने बड़ा किया है, वो भाई बहन नहीं है, हाँ, क्योंकि भाई बहन नहीं है वो, जिसको बोलते हैं, हाँ, भाई बहन नहीं है वो, तो अगर आपके लड़की, अगर आपने लड़की को ये किया है, बड़ा किया है, और आपके घर में लड़के अपने बेटे हैं या दूसरे लोग हैं, तो देन देर इज ए चांस के, क्योंकि वो आपकी फैमिली मेंबर नहीं है, वो तो बहन भाइयों की तरह नहीं हुए, तो यही है, बिकॉज आपको बताया गया है कि आप बहन भाई नहीं हैं, आपके माँ बाप अलग हैं। तो गलती तो फिर हमारी हुई कि हमने उन्हें बताया कि वो बहन भाई नहीं है। सर, एक सेकंड, आप आप शायद जानती हैं, इसमें क्लॉज आता है, जैसे आसिफ साहब ने कहा कि वो बहन भाई नहीं हुए, इसमें कंडीशन आती है कि अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, और उसने जो अडॉप्टेड मदर है उसने उसको फीड कराया है, 15 कुछ टाइम्स है कि कितनी कितनी बार फीड कराया है, तो वो महरम हो जाता है बहन भाइयों के लिए, जो अडॉप्टेड मदर का रिश्ता, एक तो खून का रिश्ता, दूसरा दूध का रिश्ता, अदरवाइज जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उससे वो नॉन महरम हो जाता है। तो उससे अगर दूध ना पिया हो एक ही माँ का, तो ये है इसमें। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, वुडी एलन का एक बहुत मशहूर है कि उन्होंने अपनी पत्नी की अडॉप्टेड बेटी के साथ ही अफेयर शुरू कर दिया। तो इसमें मैं इस्लाम को बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, और बिल्कुल मैं उनको दकियानूसी नहीं कहूंगी, क्योंकि अपना पराया होता है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। हम लोगों ने तो ये भी देखा है कि जन्म जाई बेटियों के साथ कई बार पिताओं ने और भाइयों ने और चाचाओं ने बलात्कार तक किया है, तो एक अजनबी घर का बच्चा या बच्ची तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाता है, जो हमारे घर में सचमुच नहीं पैदा हुआ हो वो तो और भी वल्नरेबल है। इसलिए इस्लाम ने ये डिस्टिंक्शन किया कि ये बच्चा शुरू से बताओ ये कौन है, अगर उसके माँ बाप के नाम तुम्हें मालूम हो तो उसे बताओ, वो मर चुके हों तो उसे बताओ। आपने अभी एक फिल्म देखी होगी लायन नाम की, आई है ऑस्ट्रेलिया में, अडॉप्ट हो जाता है वो हिंदुस्तानी बच्चा, मगर ढूंढता हुआ वो अपने घर को आता है।
तो किसी भी बच्चे से कहना कि तुम मेरे पेट से पैदा हुए हो, मेरे सचमुच के तुम बच्चे हो, मैं प्यार तुमसे बहुत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मगर तुम मेरे जन्म जायी बालक नहीं हो, ये सच उसको बताना चाहिए और ये हर अडॉप्शन में बताना चाहिए, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे नॉन इस्लाम। तो ये दूसरे धर्मों में क्यों नहीं होता ये प्रॉब्लम? दूसरे धर्म में ये समस्या है? देखें ये जो मसला, कई पुरुषों ने बच्चियों को अडॉप्ट किया और बाद में उनके साथ उन्होंने रिश्ते कायम किए, तभी तो हमारे कानून में है कि 21 बरस का एज डिफरेंस होना चाहिए, ये सारे नियम इसीलिए डाले गए बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। मेरा सवाल ये है कि जहां अडॉप्शन सबसे ज्यादा हो रही है यानी यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में, वहां आपको बिल्कुल कोई खबर नहीं है पेरेंटल रेप की या इंसेस्टुअस रिलेशनशिप की। वुडी एलन का तो है? नहीं नहीं, आपने वुडी एलन का तो एक किस्सा लिया ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आपसे ब्रिटेन की, डेनमार्क की, फ्रांस में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो इंतहा, और ये तमाम तर बच्चे मुसलमानों के अडॉप्ट कर रहे हैं, और अब तो कुछ चर्चेस हैंडीकैप बच्चे, अभी किसी ने उन बच्चों को अडॉप्ट किया है जो पूरी फैमिली और बच्चे थे ऑटिस्टिक थे, उनको अडॉप्ट करके ले जी, मेंटली रिटार्डेड। हमने हिंदुस्तान के मुसलमान जानकारों से ये पूछा कि इस्लाम में क्यों पाबंदी है बच्चों को अडॉप्ट करने की, बच्चों को गोद लेने की, और इससे क्या हम मुसलमानों का नुकसान नहीं है? इस्लाम का मानना है कि जब भगवान ने आपके नसीब में बच्चा नहीं दिया, आप कौन होते हैं अपने तकदीर को बदलने वाले? इसके मतलब है कि गॉड के वर्क में आप इंटरफियर कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये प्रोहिबिटेड, मना है, नहीं कर सकते। या निकाह के वक्त में जब उसका नाम लिया जाता है तो साथ में फादर का नाम लिया जाता है, तो वो जो फादर का नाम लिया जा रहा है वो परवरिश करने वाले का नहीं लिया जाएगा, वो रियल फादर ही का लिया जाएगा। मैं नहीं मानती कि जो चीज़ अल्लाह ने कह दी है उसके बाद हम ये सोचें कि वो उससे चेंज हो जाए तो कुछ बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, नहीं, मुमकिन नहीं है। अब मुझे ऐसे लगता है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और उसका कवर ले रहे हैं इस्लाम पे, क्योंकि अगर ये मसला था तो पाकिस्तान और अरब और ये सब लोग बॉस्निया क्यों भागेंगे बच्चे अडॉप्ट करने के लिए? देखिए, सारे बच्चे तो कहते हैं भगवान का रूप होते हैं जी। आप किसी के भी बच्चे को गोद ले लीजिए, आप उसे ये बताइए या नहीं बताइए कि आपने उसे अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, उसको जो ख़राब किस्से आप पर हम बता रहे हैं कि बेटियों के साथ भी उन्होंने रिलेशनशिप बनाई कई फादर्स ने, तो ये तो रियल चिल्ड्रन के साथ भी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कोई इतना अहमियत नहीं रखता। लेकिन हम लोग बच्चों को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा, जो आपने पहला क्वेश्चन उठाया कि हम क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं बच्चे, क्या हम इतना डरते हैं कि हम किसी और के बच्चे को ले आएंगे तो हमारा जो खून और ये सब चीज़ होता है? मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि शायद इस्लाम में भी ये लिखा है कि आप दूसरे को भी अपनाइए और प्यार से सींचिए। कुरान में है सूरत ये है, तो दो रिकमेंडेशन हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा। पालने पर कोई रोक नहीं है, नाम देने पर रोक है, उस पे है। पहले सेम प्रोसीजर होता है जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है, अगर आप नाम देते हैं, अगर आपके भी बच्चे हैं तब है प्रॉपर्टी का फंडा, तो ना अगर आपके बच्चे नहीं है या ऐसी चीजें हैं तो फिर तो आपका सगे बच्चे से भी ज्यादा हो गया। मैंने एक पिछले प्रोग्राम के अंदर बात हो रही थी पॉलीगैमी की, तो एक प्रोफेसर साहिबा उन्होंने इसी शो पे कहा कि मैंने कहा कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अडॉप्ट क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि नस्ल या जात, नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी, अरे इस दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं हमारी नस्ल के, हम बढ़ी रहे, हम कोई खास स्पीशीज थोड़ी ना, इंसान की नस्ल तो बढ़ती चली जा रही है, स्पीशीज थोड़ी है, कोई फ्रॉग्स हैं या कुछ चिड़िया है या लिजर्ड है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी नस्ल तो बड़ी महान है और जिसको आप लेकर आए हैं वो नस्ल खराब है? हम मुस्लिम जो है, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, और जो कि मेरा मानना है कि वो कन्वर्जन की वजह से वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट में, अगर हम कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें वहाँ नहीं पता होता कि वो किस जात से, किस खून से कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ रहे हैं, जब हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक मासूम बच्चे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? यहाँ हिंदुस्तान में अशरफी और दूसरे मुसलमानों में फ़र्क नहीं है, ग्लास के ग्लास अलग होता है, घटिया मुसलमान मेरे जैसे जो अरब शरीफ से नहीं आए हैं
हमको तो थर्ड ग्रेड समझाया जाता है कि आप तो हिंदू राजपूत थे मुसलमान सर, तो फिर कन्वर्ट तो करके उनको इस्लाम मुसलमान तो बना दिया गया ना, नाम तो दे दिया गया मुसलमान हो गया, तो फिर वो कन्वर्ट और ये सब तो खत्म हो जाना चाहिए। पापा कहने का मतलब यही, जब आप उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना रहे हैं तो एक मासूम बच्चे को अडॉप्ट करने में क्या बुराई है? बच्चों के लिए तो कुरान शरीफ में भी यही लिखा है और आपका हमारा दिल भी एक जो मुसलमानों का दिल खासकर कहलाता है कि बड़ा विराट और जो हम भाई की क्लेम करते हैं हम क्लेम करते हैं। मैं कुरान से अग्री करती हूँ, आप पालिए 1000 बच्चों को जितने का आप पाल सकते हैं, प्यार से पालिए, अडॉप्शन के लिए और अडॉप्शन पूरा दीजिए, अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दीजिए, मगर उनसे झूठ कभी मत बोलिए, उनको हमेशा सच बताइए कि भाई तुम मेरे दिल से पैदा हुए हो, मेरे जिस्म से पैदा नहीं हुए हो। सेनेटर जॉन मैकेन तो नहीं कह सकते ना, बिल्कुल नहीं कह सकते, नहीं कहेंगे। तमाम चाइनीज बच्चों को अडॉप्ट करना या बांग्लादेश से कोई 1,00,000 बच्चों करना दारफूर से, वो गोरे तो नहीं कह, बिल्कुल नहीं कह, वो तो नहीं कह रहे कि तुम, हमने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी, पूरी राइट्स, पूरा नाम, हर चीज, हम, हमारा किरदार ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी, हम जब देख रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादातर बच्चे जो यतीम हो रहे हैं जंगों में वो मुसलमान हैं और हमने किनारा कशी कर ली, सहारा ले लिया कि अब हम नहीं करेंगे, इसका कोई, आसिफ साहब आप तो दुनिया भर में कनेक्टेड हैं, कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जहां किसी ने इनिशिएटिव लिया हो, किसी अरब वर्ल्ड में या टर्की में या नॉर्थ अफ्रीका? अरब, मोरक्को और अल्जीरिया में कुछ लोगों ने अडॉप्शन किया है, बट अगेन उन्होंने यही अडॉप्ट किया है कि बच्चों को रखते हैं और उनको अपनी सही आइडेंटिटी दिखाते हैं जी, सो दे हैव नेवर केप्ट देम अंडर द इनहेरिटेंस, लीगल इनहेरिटेंस के लिए नहीं किया है, ओनली बिकॉज दे फॉलो द रूल जो हमारे शरिया के हिसाब से है। तो किसी ने रेफॉर्मेशन की भी बात इसमें, रेफॉर्मेशन की नहीं, अल्जीरिया और अल्जीरिया में किसी ने उठाया था इशू, बट इट जस्ट डाइड ऑफ विदाउट एनी, नोबडी एनकरेज दैट। एक्चुअली सर, पहले जो इस्लाम में अडॉप्शन प्रोसेस था वो सेम था जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है कि सपोजिटली आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो उसके आगे आपका आपका सर नेम आएगा जी। पहले इस्लाम में भी ऐसे होता था, हजरत मोहम्मद साहब के एक गुलाम हुआ करते थे, जायद या कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं था जी, उनको अडॉप्ट किया था और वो जायद बिन मोहम्मद हो गए थे, लेकिन कुछ आगे चल के उनका तलाक हो गया, फिर उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर उसामा बिन जैद की बात कर रही है आई थिंक जी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, जायद बिन मोहम्मद, जायद बिन मोहम्मद उनको कहा गया था, फिर बाद में होता ये है कि झगड़ा और इख्तिलाफ अपने जन्मजाई बच्चों के साथ भी हमारा हो जाता है, मगर अगर एक बार हमारे अडॉप्टेड बच्चे के साथ हो जाए तो फिर हम समझते हैं कि अडॉप्शन में ही कोई खोट है, हमारे अपने बच्चे क्या हमसे बेहूदगी नहीं करते, क्या हमसे बदतमीजी नहीं करते, क्या हर वक्त अष्टांग प्रणाम करे या सलाम करे, हमारे कदमों में बैठे रहते हैं, बिल्कुल विद्रोह करते हैं, बिल्कुल बदतमीजी करते हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते, मगर वो अपने जन्म जाए बच्चे हैं, हम उनको माफ कर देते हैं, तो ये भावना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। अच्छा, एक एक बात की कंप्लीट इनकी अधूरी रह गई, तो उस पे जरा नजर डालिए कि जब उनका जायद बिन मोहम्मद का उनका तलाक हो गया तो उसमें कुछ आई थिंक इश्यूज आए थे, तब उनको और उनके ओरिजिनल जो उनके फादर के नाम से उनको दोबारा से उनको उस नाम से जाना गया, तो एक्चुअली पहले सेम प्रोसीजर होता था जो वेस्ट में होता है। अच्छा। इस्लाम में उसके बाद ये हुआ कि जो बच्चा अडॉप्टेड है उसको ये जानने का हक होना चाहिए कि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या तो है, हर अडॉप्टेड बच्चे को होता है जी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है इस्लाम में के बच्चे को अडॉप्ट करना, साइकोलॉजिकली भी बहुत जरूरी है, हमने देखा है जहां बच्चों से किसी भी बात का कभी भी झूठ बोला जाता है या पर्दे डाले जाते हैं वो बच्चे मैल एडजस्टेड हो जाते हैं, इनफैक्ट इन इस्लाम इट इज हाईली रिकमेंडेड टू अडॉप्ट अ ऑर्फन, हां कहते हैं जिसके मां-बाप जिंदा हो उसको मत अडॉप्ट करो, हां जाहिर तो वो हमेशा आपसे नफरत करेगा कि मेरे घर से खींच के तुम मुझे अपने घर में ले आए, हां चाहे आप उसको गरीब घर से अमीर घर में क्यों ना लेकर आए, वो हमेशा महरूम अपने आप को फील करता है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वॉलंटरीली अपने बच्चों को भेज देते हैं सो दैट दे कैन गेट अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एजुकेशन मिले उनको, तो बच्चों को हमेशा पता होता है कि बच्चे मां-बाप मेरे कौन है। वैसे तो अडॉप्ट करने का आपका रीजन ही ये होना चाहिए कि जिसके मां-बाप नहीं है उसको बहुत गरीब या किसी दुख में जी रहा है, हम उसको एक अच्छा जीवन दे,
दे सके। और ये तो सेकेंडरी है कि हम उसे बताएंगे ऑफकोर्स कि वो हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है, और माँ बाप आपके पता भी चलेगा, और उसको एक अच्छा जीवन दे। इस्लाम धर्म में जितनी अच्छी चीजें लिखी हैं वो शायद आपको उतना अच्छे से नहीं ढंग से हमारे मौलाना भी, आपने देखा ही था किस तरीके का हमारे मौलानाओं का बिहेवियर रहता है। अगर हम इस्लाम की अच्छी चीज सच्चाई से बताना चाहें लोगों को, तो अडॉप्शन के लिए भी इतना अच्छा कुछ लिखा हुआ है, और मुस्लिम मेरे ख्याल से मोटिवेट भी होंगे आपकी और हमारी ये सब बातें सुनकर कि जी हाँ, हमें किसी और नन्हे जीव को, किसी और एक और बच्चे को प्रेम से प्यार से पालना चाहिए। मैं एक एक फैमिली का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े प्रोमिनेंट हिंदुस्तानी हैं मुसलमान, हमारे रोल मॉडल होना चाहिए, उन्होंने एक हिंदू बच्ची को अडॉप्ट किया जी। और उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, उनको पूरा एज ए हिंदू एजुकेट किया, ब्रॉट हर अप, मैरिड हर अप, एंड सब कुछ किया। वो इतनी बड़ी ग्रेटनेस है। Exactly. हाँ, वो जो उन्होंने काम किया वो हमारे ऐसे बहुत से केसेस हैं, लेकिन ये मुझे हिंदू बच्चों को किया, हिंदुओं ने मुसलमान बच्चों को पाला, उनके धर्म अनुसार, बिल्कुल हिंदुस्तान की तहजीब में ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हमको मिल जाएंगे। भारत का कानून क्या है इसमें? भारत का कानून हमारा अडॉप्शन एक्ट है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी बच्चे को, उसमें एज डिफरेंस है, एक तो अगर कोई पुरुष, अकेला पुरुष अडॉप्ट कर रहा है तो कम से कम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो लड़की अडॉप्ट, हमको सब कुछ अलाउड है अडॉप्ट करना, औरत बच्चा, मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है, मर्द गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है बहुत ही कंबरसम है, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि मैम हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन इतना प्रोसीजर टिपिकल बनाया हुआ है। एग्जांपल बताइए, क्या प्रॉब्लम? एग्जांपल ये है कि पहले तो आपको फॉर्म भरिए और दुनिया भर के कानूनी उसमें जाइए, पछड़े में लगे, अगर कपल्स ने लेना है तो दे हैव टू वेट फॉर 3 इयर्स। कब सिंगल अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे मैं सिंगल हूँ, मैं लेना चाहूँ बहुत ही मुश्किल है, फिर तो और ज्यादा टिपिकल है। पेपर पे अलाउड है मगर प्रैक्टिकली आपका सुनने में शायद आसान लगता है कि जाइए और बच्चा गोद ले लीजिए, लेकिन जब आप जाएंगे लेंथी प्रोसीजर में फिर आपको बहुत परेशानी उठानी। और एक ये रीजन जो आप कह रहे हैं ना कि लोग गोद नहीं ले पाते, एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, जब तक हमारे दिल खुले नहीं होंगे, जब तक हम जात पात में विश्वास करेंगे, जब तक हम इंसान से प्यार करना नहीं सीखेंगे और हर बच्चे को पावन पवित्र नहीं मानेंगे, हर बच्चे को अपनी नस्ल नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी अडॉप्शन नहीं कर सकता। हमारा रास्ता फिर क्या होना चाहिए? परंपराओं को तोड़, नहीं एक सेकंड, परंपराओं को तो जब इस्लाम ही कह दे, और इस्लाम से मेरा मतलब आप, मैं या अंबर, आप लोग तो हमें कौन पूछेगा कि हम क्या कहें, हमारी शक्लें इतनी अच्छी हैं कि कोई मानेगा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। तो जो लोग ठेकेदारी है जिनकी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या कितनी अंजुमने हैं जी, वो जब इस पे ट्रस्ट से मस होने को तैयार नहीं है, तो हम, आप समझती क्या को पैरेलल बॉडी होनी चाहिए या यूनिवर्सल सिविल कोड? इस्लाम आपको बच्चे पालने की इजाजत देता है, आप उनको पालिए, आपको प्रॉपर्टी देने की इजाजत देता है, आप दीजिए। ना ना, वो तो फिर रुक, फिर तो हम सरेंडर कर गए ना कि अडॉप्शन गलत है। जब पहला बात तो ये होनी चाहिए कि अडॉप्शन इज एक नेक काम है, उससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं। नहीं, हमें इसे नेकी में भी नहीं, असल में अडॉप्शन हम जब करते हैं जब हमारी अपनी जरूरत होती है, जब हमारे अपने बच्चे नहीं होते, नहीं, 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 तब हम लोग हिंदुस्तानी निकलता है अडॉप्शन करने के लिए। देखिए, बांग्लादेश और डारफूर में मिलियन बच्चे, उन लोगों ने कि मुझे अगर बच्चा सच में ही बेहद जरूरी है तो फिर मैं बच्चा लेने इधर उधर देखूं कहीं। इसका ये जो फ्रंट लाइन है, इसको हम कैसे तोड़ें, आप बताइए। देखिए, फ्रंट लाइन तोड़ने की बात नहीं है, बस हम ये लोगों किससे का कहें जाके कि ये मानो, नहीं ये मानो। देखिए, ये कंसेंस होता है इस्लाम में या हिंदुस्तान में या कहीं भी आप देख लो, इस्लाम में, कुरान में लिखा है नहीं लिखा है, लोगों ने कहा है नहीं कहा है, नहीं होता, कंसेंसस होता है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अग्रीज के ये ऐसे होना चाहिए। जिस दिन ये ग्रुप बन गया और कंसेंसस बन गया, तो व्हाटएवर तो थक जाएंगे, वो तो मानेंगे नहीं हमारी बात। वो ग्रुप बनेगा कैसे? हां, तो वो ग्रुप बनेगा अवेयरनेस से। जब आप पर हम अवेयर करेंगे, जैसे आपका प्रोग्राम है, जैसे आप पर हम जमीन पर इतना काम करते हैं सालों से, तो मैंने देखा कि चेंज आ रहा है,
बहुत सारी चीजों में मैंने बड़ा बड़ा चेंजेस आके देखा है। अगर हम अवेयर कर रहे हैं मुस्लिम्स की, अगर आप बात कर रहे हैं कि देखिए एक तो मुस्लिम में माशाल्लाह वैसे भी बच्चों की कोई कमी होती नहीं है, मुसलमान में तब भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने, हमने तो चार बहन भाई एक ही कमरे में रहते थे, आपने हमने उनके खोले हम उनके दिमाग नहीं खोल पा रहे। जब इतने खतरनाक मौलाना इस तरीके की बातें हमें, जो जो मेन मेन चीजें जो ऊपरी लिखी हुई हैं इस्लाम में, वो तक नहीं समझने देते, तो अडॉप्शन तो आप बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं आज, ये हंसी का मुद्दा नहीं है, और हम लोग ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मुस्लिम ने देखा है कि मुसलमान महिलाएं अकेले ही लड़ती हैं इन दकियानूसी लोगों से सभी चीजों के लिए, हमारे पुरुष जो हैं वो बेचारे डर के पीछे दुबक जाते हैं, वो लड़ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है मौलाना से मुसलमान पुरुषों को निकलना पड़ेगा। आज हमारा मुद्दा है कि क्या इस्लाम में जो अडॉप्शन पे ममानत है उससे मुसलमानों का हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है, जो नॉन मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में उनके यहाँ भी कुछ हिचकिचाहट है अडॉप्ट करने की। जी सर, ये भारतीय ट्रेट है। अच्छा, मेरे हमारे पास हमको एक बच्ची मिली थी अस्पताल में, अबैंडेंड बच्ची, हमने सोचा उसका हिंदुस्तान में ही अडॉप्शन कराए, हम उसको अपने घर ले आए, हमने 9 महीने वो बच्ची हमारे पास ऑलमोस्ट एक बरस की होके गई जी। तो अब जब हम उसका अडॉप्शन कराने निकले तो एक लेडी आए और बच्ची को देखकर कहती है इसका तो रंग बड़ा काला है, खुद की नाक यहाँ से यहाँ तक चपटी, और कहती है इस बच्ची की नाक तो बड़ी फैली हुई है। मैंने कहा इंसान की बच्ची है, और हमें तो वो बिल्कुल हमारे जैसी लगती थी, हमें तो बिल्कुल खूबसूरत लगती थी। 9 महीने बाद जाकर उसका मदर टेरेसा के होम के थ्रू अमेरिका में अडॉप्शन हुआ। आज वो 3 बच्चों की माँ है, वो नर्स है, शी इज अ मेडिकल प्रोफेशनल, बट शी इज नॉट इन इंडिया, शी हैड टू गो समवेयर एल्स, नोबडी अडॉप्टेड हियर। हमने निश्चय ये कर लिया था कि अगर ये इसका अडॉप्शन नहीं हो पाता तो हम ही उसको रख लेंगे अपने पास, हम लोग ने सोचा था। मगर जब वो अमेरिकन अडॉप्शन हुआ और हम उसको देखकर आए, मैं अमेरिका गई, मैं उसके माँ बाप से मिल के आई, हमने पूरी तफ्तीश की, एजेंसी ने भी की, हमने भी की, फिर 3 साल बाद जब वो बच्ची 4 बरस की थी मैं विजिट करके आई। तो अब मुस्लिम समाज के लोग अगर मतलब जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं या सिख हैं, इंडियन की बात की जैसे इंडियन माइंड सेट तो एक है होगा, लेकिन अगर इसमें मुस्लिम कॉम्प्लिकेशन ये भी बढ़ जाए कि आप कर ही नहीं सकते, तो ये तो एक डबल वहमी हो गई, एक डबल वहमी जिसे कहते हैं ना, कि एक तो वैसी मुसीबत थी ऊपर से, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बस तो ये दूसरा नीम चढ़े को हम पहले खत्म करने की कोशिश करें, पहले करेले पे ले आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि हम नाम नहीं दे सकते अपना, रतन टाटा तो टाटा इसका नाम बढ़ा रहे हैं अपने काम से ना, अपनी रेपुटेशन से, अपनी इन्वेस्टमेंट से। हम अपने नाम अगर रोशन करना चाहते हैं तो हमारा ऐसा कौन सा बड़ा नाम रोशन हुआ हुआ है कि हम अपना नाम नहीं देना चाहते? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई सलाउद्दीन अयूबी का नाम है उन्होंने हम नाम अपना देंगे, हमने मिस्र और फलस्तीन पे कब्जा किया क्या है कि तुम्हारा नाम रोशन? जो अडॉप्ट करेगा वो ऑफकोर्स अपना नाम देगा, मैं यही कह रहा हूँ। हिंदू धर्म में भी अडॉप्शन देगा, किसी ने चेंज किया नहीं, किया बिल्कुल किया, मगर हिंदू धर्म में अडॉप्शन महापाप है बाबा, हो ही नहीं सकता, यही इसी बिना पर हमारा प्रॉब्लम ये है। हमारा सवाल हिंदू धर्म में अडॉप्शन महापाप है, किसी दूसरे के बच्चे को गोद में पालना भी महापाप है, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बदला, बहुत अच्छा बदला। अब ये मुसलमान मिलके इसको बदले, मैं तो मुसलमान भाइयों से कहती हूँ आप हैं। हम सब इश्यूज पर काम कर रहे हैं, ऐसे इस इशू पर भी। बहस को आगे बढ़ने से पहले इस्लाम के जानकार हैं, उनसे हम सुनते हैं कि बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इस्लाम की पोजीशन क्या है, जरा सुनिए। अल्लाह का जो कानून है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है, हमें उसको एज इट इज मानना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा कहने का हक नहीं है। शरीयत का मामला जो है वो शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही चलेगा। गोद लेने का मतलब क्या है कि आप किसी की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप ज़िम्मेदारी लीजिए। आप किसी की शादी करना चाहते हैं, शादी कीजिए।
आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, आप किसी को अगर बचपन से लेकर और उसके बुढ़ापे तक उसकी मदद करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका बाप बाप है, उसकी माँ है, उसके अलावा उस जगह पर आप किसी को जाकर शामिल करके लाएँ कि साहब ये अब इसका माँ बाप है, ये गलत है। इस्लाम ने इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं। वो बच्चा या बच्ची जब बड़ी होगी तो वो महरम और ना महरम का सवाल भी उठता है, और अगर इस्लाम ने इसमें जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके कुछ तर्क भी हैं, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ की संभावना बढ़ जाती है, दूसरी बात ये होती है कि अगर अडॉप्टेड चाइल्ड को वही दर्जा मिल जाएगा जो कि एक बायोलॉजिकल फादर के बच्चों को मिला जाएगा तो उनमें भी आपस में कल को झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ये यानी हमारे दो तीन सगे बहन भाइयों के अंदर झगड़े प्रॉपर्टी पे होते हैं, और ये मौलाना साहब क्या रहे हैं, ये जो जानकार हैं इस्लाम के, उन्होंने कितना वीक एक्सक्यूज दिया हमें ये कन्विंस करने के लिए कि अडॉप्शन। देखिए प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट तो माँ बाप अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी प्रॉपर्टी का अपनी जिंदगी में कर देंगे तो फिर वो उठेगी भी नहीं। अमीना एक मैं बात सुनू, आपको पता है सबको पता है कि इस्लाम शरीयत के तहत बेटी को कम मिलता है जी, बेटे को ज्यादा मिलता है। वो भी मैं आपको समझा दूं, नहीं नहीं डिस्कस कर, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं बात को मुकम्मल कर दूं, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो बताया गया है बेटे का आधा। देखिए जब ये तय हो गया और ये अमल में है, और ये यानी ये सोचिए कि मुगलई बादशाहत के अंदर एक भी औरत ऐसी पैदा नहीं हुई जो कोई बादशाहत कर सकती, रजिया सुल्ताना की तो बात और है, तो हम किस बात की बात कर रहे हैं कि धर्म के बेसिस पे अडॉप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी सब मान लिया हमने कि ये हिंदुस्तान में या दुनिया भर में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हर जगह, अफ्रीका में एक जगह है जहाँ एल्बिनो बच्चों को डेविल समझा जाता है। हमने आम मुसलमान नागरिकों से ये पूछा कि आखिर वो माँ बाप जिनके यहाँ बच्चा है, जिनके पास बच्चे हैं ही नहीं, उनको क्यों रोका जाता है बच्चों को अडॉप्ट करने। इस्लाम में इसलिए मना है इस चीज़ का क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात है पर्दा। अगर अपनी औलाद है, यहाँ तक कि हमारे जो सगे भाई बहन हैं, जैसे मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी अपनी बहन को भी गोद नहीं दे सकती क्योंकि उसके मियाँ से मेरी बेटी का पर्दा है और उससे उसका क्या नाम है पर्दा है तो उससे उसका निकाह हो सकता है, इसलिए हम लोग एक दूसरे की औलाद नहीं ले सकते। हाँ अगर बेटा है मेरा तो मैं अपनी बहन को दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरे क्या कहते हैं बहनोई का, मेरे बेटे से पर्दा नहीं होगा इसलिए वो चीज़ दे सकते हैं। बाकी इस्लाम में अपनी औलाद देना नहीं चाहिए, ये नेचर का नियम है, पैदा करना और मार देना ये नेचर का कानून है क्योंकि नेचर ने उसके माँ बाप को सिलेक्ट किया है दुनिया में लाने के लिए, तो हम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। हो सकता है कि जो पालने वाला है वो उसका वो काम और उसका वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन जो रियल माँ बाप हैं उनको नेचर ने पावर दी है। बच्चे की अडॉप्शन पे मौलाना अगर कहता है नहीं अलाउड है तो हम क्या करें? आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप फेमिनिस्ट हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, आप दुनिया भर घूमते हैं, इसका एक एक दो दो मिनट लेके अगर आप एक्सप्लेन करें कि इसका हम क्या करें, अमली तौर पे क्या कर सकते हैं, कुछ सोसाइटी बन सकती है, कोई रेफॉर्मेशन हो सकती है हिंदुओं की तरह, या कोई और रास्ता है? आप बिल्कुल बिल्कुल एक मुस्लिम सिविल सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन को ही अपनाए और इस रेफरेंडम को मॉडिफाई करे जिसमें ये रेगुलेशंस ना आए। ओके, दैट कैन हैपन, दैट कैन हैपन। आप बताइए, आप मुसलमानों को अवेयर किया जाए कि अडॉप्शन जैसा अभी मौलाना साहब टिपिकल सा पता नहीं क्या बता रहे थे, मुझे तो वो लॉजिक नहीं समझ आया कि हम अगर बच्चे को ले लेंगे तो बड़ा होकर रेप हो जाएगा लड़की हुई तो, या लड़के को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो सब इशूज़ नहीं है, वो तो अपने सगे बच्चों के साथ ज़्यादा हैं, बल्कि उसको तो आप ये कहकर भी आप छोड़ सकते हैं कि आपको अडॉप्ट किया था। यहाँ तो सगे बच्चों के साथ ज्यादा ये सब प्रॉब्लम्स हैं कि प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, झगड़ा भी है, और बेटी पर कोई भी गंदी निगाह रख सकता है, उसमें कोई आप किसी के हाथ नहीं पकड़ सकते। मुझे लगता है आप और हम मुस्लिम कम्युनिटी को अवेयर करें कि हमारे धर्म में जहाँ से करें देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं और चीजों के लिए भी तो करते हैं, और ये तो अच्छा मुद्दा है और इसके लिए मैंने बहुत काम भी किया है। अच्छा, थोड़ा सा ही सही लेकिन चेंज आया है। ओके, कम से कम अगर हजार में से दो चार मुसलमान भी निकल कर कहने लगे कि हाँ मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो समझिए आपने जो काम किया था उसका आपको लाभ मिला
उसका आपने वो सही छाप छोड़ी जो आप बताना चाहते थे जनता को। मुझे लगता है ये सरकार को भी यहाँ पर हमारी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि कितने भी सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठे हो जाएं, उतने बड़े लार्ज स्केल पर हम लोग अवेयरनेस नहीं ला सकते नहीं, आप इतने पैसे नहीं जमा कर पैसा सकते। भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपको पूरा गाँव गाँव जाना पड़ता है। शहरों में भी यही हाल है, गाँवों में भी यही हाल है। जब अडॉप्शन पर आप जाएंगे बात करने तो पढ़े लिखे भी आपको उसी लेवल पर नजर आएंगे जहाँ आपको गाँव का कोई कहते हैं कि अनपढ़ है और ये सही बात है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आपके माध्यम से तारिक भाई मैं कहना भी चाहूंगी गवर्नमेंट से कि वो एक बड़ा लार्ज स्केल पर इसको चलाए और मुस्लिम हिंदू जो भी सभी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लाए, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जहां ज्यादा रहती हैं, कि देखिए अडॉप्ट करने से वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और इसमें हमारे कौमी रहबर। अच्छा आप बताइए, एक मैं एक चेयरमैन माओ हालांकि बहुत बदनाम है लेकिन उनका एक कोटेशन है कि सिंगल स्पार्क कैन लाइट अ प्रेरी फायर, यानी एक ही चिंगारी से पूरे उसमें आग भर सकती है। ये चिंगारी क्या होगी जिससे भड़क जाए हमारे जहन कि हमारे दिल में आ जाए वो अल्लाह का इस्लाम जो मुल्ला के इस्लाम ने डबो के रखा हुआ। सबसे पहली बात तो सर यही है कि लोगों में मिसकंसेप्शन ज़्यादा है इस्लाम को लेके, जो इस्लाम में कहा गया है वो अलग है, जो मौलाना ने बताया वो अलग है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस्लाम में ऑर्फेंस को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ताकीदगी से कहा गया है कि आप यतीम बच्चों को लीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको अच्छी जिंदगी दीजिए। इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप अडॉप्ट ना करें। अमल क्या करें, क्या करना है, कोई हम को पब्लिक प्रोटेस्ट करें या गरीब बच्चों का या लोगों को शर्म दिलवाएं, हम ही लोग गोद लेने जाएं एक एक बच्चा, हमें शुरुआत करना पड़ेगा। चर्चा में बैठे जैसे हमारे जो देश के एक बच्चा गोद लीजिए और हम सब भी जो हमारे देश के जो बड़े लोग हैं जिनको लोग जानते हैं। आपको एक बयान, ये तो आम हिंदुस्तानी की बात करें, एक हम आपको बयान सुनवाते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान ने, जरा सुनिए। हमारा ये अपना व्यक्तिगत मामला है कि ये इस बातों को से लोगों को हटना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम वृद्ध हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, तो वृद्धावस्था में हमारा पालन हमारे देखने वाला कोई होना चाहिए ना। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि एडॉप्शन होना चाहिए, गोद लेने की प्रथा होनी चाहिए। जी ये तो अच्छी बात है, हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारे देश में राजनेताओं की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से दबी पड़ी है, उनकी बदतमीजी बदमाशी की वजह से। आप देख रहे हैं कि वो कोई भी बिल आता है जो इनके फायदे का होता है फटाफट, तो दबाव कौन डालेगा, दबाव डालेंगे आप और हम सब लोगों को जो मुझे लगता है लोग जो प्राकृतिक रूप से माँ बाप नहीं बन पाए हैं उन लोगों का इनिशिएटिव लेना चाहिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को चाहिए कि उस चीज को प्रमोट करें, लोगों को काम करना पड़ेगा। जिन लोगों से लोग एस्पायर, इंडिया में लोग बॉलीवुड से ज्यादा इंस्पायर होते हैं, तो मुझे लगता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को चाहिए कि बच्चे अडॉप्ट करें और लोगों को इंस्पायर करें। फालूदा क्यों बनवा रही है, उनसे तो उनकी अपनी जिंदगी नहीं समझती, और हमारे बच्चों को अडॉप्ट करके और उनको बर्बाद कर दे, रहने दीजिए वो अपने। नाराज हुई, कुछ समझ में नहीं आया है कि उनकी तलाक क्यों हुई, तो बच्चों वो हमारा मसला नहीं है। मैं तो पॉजिटिव स्टार्ट करें, आप पर हमें भी गोद लेना चाहिए, तारिक भाई को भी एक बच्चा गोद लेना चाहिए। मैं चले शुरू करता हूँ। आप शुरू करिए, हम सब आप पर एक उम्र है, एक उम्र के बाद हम बच्चा गोद नहीं ले सकते हिंदुस्तानी कानून के अनुसार। नहीं आप छड़ी आप अगर सिंगल पुरुष हैं, मैं ही नहीं चल सकती हूं, आप सिंगल औरत हैं, बहुत कठिन है, आपकी उम्र गुजर गई, आप अगर बीमार हैं, मैं नताशा से कहता हूं वो अडॉप्ट करें। जी और अगर आप बीमार हैं तो भी आपकी पूरी हेल्थ चेकअप होगी, क्या बच्चे उसके बाद ही आपको बच्चा मिलेगा। बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हिंदुस्तान में, पहले आप और हम चले सरकार के पास की और कहीं ये बिल अडॉप्ट करो, जो जी सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक रैशनल अडॉप्शन बिल पूरे भारत के लिए आए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम लीजिए या हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम लेते हैं और फिर चलते हैं कहने के लिए कि चलिए ये बिल लेकर आइए। और अब बारी उन लोगों की जो मेरे ख्यालात से बिल्कुल अलग ख्याल रखते हैं या मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। मैं तारिक फतेह जी से ये कहना चाहूंगी कि आप हमेशा मुस्लिम धर्म की परंपरा को लेकर क्यों आवाज उठाते हैं, क्यों उस पर ही आप हमेशा सवाल खड़े करते हैं,
आपको क्या लाभ मिलता है इससे? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में अरबिक डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तारिक फतेह साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सामाजिक व माशी और सियासी जो भी सूरत है, ऐसे माहौल में क्या टेस्ट ट्यूब बेबी और एडॉप्टेशन जैसे मसले को हाईलाइट करना चाहिए, और अगर ये हाईलाइट करना चाहते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि ये मुद्दों पे बात करने से आपको परेशानी क्या है? इस्लाम तो कहता है जी भर के सच बोलो, इतना सच बोलो कि आपका अपना नुकसान हो रहा हो तब भी सच बोलो, और मैंने आखिर कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे आपको एतराज़ हो या किसी और का नुकसान हो? मैंने तो एक सीधी बात पूछी है और बहस की अपने मेहमानों से कि आखिर मुसलमानों पे क्यों पाबंदी है अडॉप्शन। मैं तारिक फतेह साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इस तरीके के इश्यूज़ उठा के, इस तरीके की बातें करके वो मुस्लिम्स को और इस्लाम को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। वो ये भूल गए कि उसके अंदर कोई इफ़ ओ बट नहीं लगा सकता। मेरा नाम डॉक्टर एम ए नकवी है, मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ कानपुर में, और मैं तारिक फतेह साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि जो ये एडॉप्शन को लेकर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इस पर उनकी क्या राय है, और जो राय वो दें तो मैं खुशी होगी मुझे, और मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि वो रेफरेंसेस के साथ जो है अपनी बात कराएं। अगर किसी वर्ष का वो हवाला दें तो वो बताएं कि वो किस सूरे का हवाला दे रहे हैं या किस हदीस का हवाला दे रहे हैं, ताकि इसको लेकर जो भ्रांतियाँ चल रही हैं गोद लेने वाले या एडॉप्शन को लेकर, वो जो है मंजरे आम पर आ सके। प्रोफेसर नकवी साहब, पहली सीधी बात है कि मुसलमान होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होते हुए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 3 लाख बच्चे बांग्लादेश में यतीम हो जाएं और उनको अडॉप्ट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से एक शख्स भी ना जाए, ये सहारा लेके कि भाई इस्लाम में तो पाबंदी लगी हुई। मुझसे आप पूछ रहे हैं कि मैं आपको हदीस या कुरान की सूरत बताऊं कि किस सूरत के तहत मैं कर रहा हूं? तो साहब, मैंने तो ये आईफोन भी ख़रीदा, इसकी मुझे कहीं हदीस में जिक्र नहीं है। मैं ये छड़ी टेढ़ी पहनता हूँ, हाथ लेके चलता हूँ, एक जोधपुरी सूट पहना हुआ है। अब कल को आप कहेंगे मेरे जूते में तस्मे क्यों हैं, इस पर मैं हदीस बताऊँ? कभी तो इंसानों की तरह हमारी और आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। कभी तो आप ये माने कि सोच और फिक्र आला है उस चीज़ से जिसे कहते हैं यकीन। आप यकीन कर लेते हैं एक चीज़ पे और मैं उस पर सोचता हूँ। मेरा गुनाह यही है कि मैं मुसीबतों के इलाज ढूंढता हूँ, आप कहते हैं जन्नत का रास्ता क्या है। मेरा सवाल आखिरी ये है, सवाल क्या है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लोकसभा बिल भी पास कर देगी, कानून भी बन जाएगा, लेकिन हमारे मौलाना हजरात हैं, इनका कौन इलाज करेगा, इनसे कौन हमें बचाएगा? मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बयान की। अगर हो सका तो ये बिल भी आएगा, हम आप इंडिविजुअली भी कोशिश करेंगे। और ये याद रखिए कि जिस तरह बोस्निया के गोरे बच्चों के लिए दिल आपका धड़क रहा था, तो दारफूर के काले बच्चों और यतीमों के लिए भी वैसे ही होना चाहिए। ये रंग नस्ल का ये भेदभाव से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। धर्म से अलग होके अपनी अपनी अलग अलग छोटी छोटी जजीरे बनाने में हिंदुस्तान डूब जाएगा। एक हिंद सबका हिंद है, आजाद हिंद है, और जय हिंद। जय हिंद। फी अमानिल्लाह। जय हिंद।